नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए अब आपको बताते हैं अभी तक की ताजा खबर। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां एक इत्र व्यापारी के घर से इतना पैसा बरामद किया गया कि उसकी चर्चा व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक की जा रही है। आयकर विभाग के इतिहास में यूपी में की गई अभी तक की सबसे बड़ी छापेमारी साबित हुई है, जिसकी बरामदगी कीमत है 175 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में कानपुर के एक बड़े इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर छापेमारी में आयकर विभाग को 175 करोड़ रुपए हाथ लगे हैं। आयकर विभाग द्वारा पीयूष जैन के घर से मिले 175 करोड़ रुपए की नकदी को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया गया है। इत्र व्यापारी के घर से करोड़ों रुपए के साथ साथ कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। इतना ही नहीं, आयकर विभाग को बड़ी मात्रा में फर्जी इनवॉइस भी पीयूष जैन के घर से बरामद हुए हैं। घर में इतना सारा पैसा मिलने के बाद वहां पहुंचा हर शख्स हैरान है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयकर विभाग की छापेमारी के समय से ही पीयूष जैन फरार है। हैरत करने वाली बात यह है कि इस छापेमारी के बाद आयकर विभाग भी हैरत में है और उनके द्वारा दावा किया गया है कि यूपी में की गई छापेमारी में अब तक की ये सबसे बड़ी नकदी है। गौरतलब है कि पीयूष जैन ने लखनऊ में एक इत्र लॉन्च किया था। इस लॉन्चिंग को अखिलेश यादव के द्वारा किया गया था। तब पीयूष जैन ने कहा था कि साल 2022 के चुनावों के मद्देनजर यह इत्र 22 फूलों से बनाया गया है। इस छापेमारी में आयकर विभाग को 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय का भी पता चला है। छापेमारी के दौरान इतना कैश बरामद किया गया कि नोटों की गिनती के लिए आयकर विभाग को उसे गिनने के लिए एक दो नहीं बल्कि 13 मशीनें मंगाई गई, ताकि नोटों की गिनती जल्द से जल्द की जा सके। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से रूबरू रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।